तीसरा ग्रुप है ऑस्टियोक्टिस। ऑस्टियोक्टिस ये हैं बोनी फिश, लफ्जी मतलब है बोन वाली मछली, यानी कि इनके अंदर हड्डियां होती हैं, हड्डियों से मुराद है कि कांटे होते हैं। एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है। नोटोकॉर्ड बाज स्पीशीज के अंदर परसिस्टेंट है, बाज के अंदर खत्म हो जाती है, कुछ मतलब कुछ स्पीशीज के अंदर वो बड़े होने पर बाकी नहीं रहती, कुछ में बॉडी के कुछ हिस्सों में बाकी रह जाती है। स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, और स्केल्स तीन तरह के हो सकते हैं, गेनॉइड स्केल्स हो सकते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स हो सकते हैं, और टीनॉइड स्केल्स हो सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ शेप्स के हिसाब से उन स्केल्स के मुख्तलिफ नाम है। जो रहू आपने खाई है उसके ऊपर इस तरह के स्केल्स आपने देखे हुए हैं, छिलके चढ़े हुए होते हैं, नहीं देखे हुए तो मछली वाली दुकान पे चले जाएं, वहां पे काफी सारे पड़े होते हैं। तो इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स नहीं होते, यानी कि वो प्लेट लाइक स्केल्स इस ग्रुप में मौजूद नहीं है। टर्मिनल माउथ होता है, पिछले दोनों ग्रुप्स में वेंट्रल माउथ था, नीचे वाली साइड पे था मुंह, अब इनकी आगे वाली टिप के ऊपर माउथ लगा हुआ है, और उनके अंदर जबड़े भी मौजूद हैं। बाज में टीथ होते हैं, बाज में टीथ नहीं होते, बगैर दांतों के शिकार को निगल लेती हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम जाहिर है गिल्स गिल्स पर मुश्तमिल है, और गिल्स को सपोर्ट करने के लिए बोनी गिल आर्चिस बनी हुई है, यानी कि गलफड़ों की सपोर्ट के लिए साइडों पे हड्डियों के वो कवर्स बने हुए हैं, आर्चिस बनी हुई हैं जिन्होंने कवर किया हुआ है, और गिल्स पर बाहर की तरफ से अपरकुलम है, ढक्कन मौजूद है। स्विम ब्लैडर मौजूद होता है, और स्विम ब्लैडर क्या काम करता है, बयोन्सी में हेल्प करता है, बाज दफा मुंह के साथ कनेक्टेड होता है तो उसके अंदर पानी भर लिया जाता है, पानी भर लेंगे तो नीचे डूब जाएंगे, फिर जोर लगा के ऊपर आएंगे, मुंह से वो एक गुब्बारा सा भरेंगे और वो जनाब स्विम ब्लैडर में भेज देंगे उस मतलब हवा के बुलबुले को, तो वो स्विम ब्लैडर में हवा भर जाएगी, अब बड़ी आसानी से ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। तो स्विम ब्लैडर हेल्प करता है कि आपने कितनी ऊंचाई पे, यानी कि सरफेस के नजदीक तैरना है या नीचे बॉटम में तैरना है, जितना पानी भरेंगे उस हिसाब से नीचे डूबते जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में टू चैम्बर्ड हार्ट है, मछलियों में दो चैम्बर होते हैं हार्ट में, एक एट्रियम कहलाता है, एक वेंट्रिकल कहलाता है, और रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे अंदर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, ही ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और क्रेनियल नर्व्स हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन यानी कि जाहिर है वो खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, और वहां से 10 सेट निकलते हैं नर्व्स के जो बॉडी के मुख्तलिफ रीजन्स को कंट्रोल करते हैं। लोकोमोशन फिन्स के जरिए से होती है, और फिन्स के अंदर इस तरह की लाइनें बनी हुई आपको नजर आती हैं, इनको फिन रेज कहते हैं। बचपन में जब आप मछली बनाते थे उसकी ड्राइंग, तो उसके अंदर आप इस तरह की लाइनें लगाते थे, जाहिर है। तो फिन्स पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। पेयर्ड का मतलब है कि लेफ्ट साइड राइट पे लेफ्ट राइट साइड पे एक एक होगा तो वो पेयर्ड है। बाज पेयर्ड नहीं होते, मसलन पीछे दुम पे जो है वो पेयर्ड नहीं है, इसी तरह वो जो कमर पे लगा हुआ है वो भी पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलहदा अलहदा है। पेयर्ड गोनेड्स मौजूद होंगे, यानी कि ओवरीज और टेस्टिस मौजूद होंगी, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी कि अंडे पानी में ही फेंक दिए जाएंगे और उन्हीं के ऊपर स्पर्म्स डाले जाएंगे और वो पानी में ही बच्चे पैदा होंगे। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि पतली लंबी सी बॉडी है, चपटी सी बॉडी है, फ्यूजी फॉर्म इसको हम कहते हैं, बोट शेप्ड है, जिस तरह कश्ती पतली लंबी सी बनाई जाती है वैसी है, ताकि पानी के अंदर आसानी के साथ स्विम कर सके, स्पीड तेज हो। आपने कभी घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ हो गली में और उसमें चलने की कोशिश की हो तो बड़ा जोर लगाना पड़ रहा होता है, क्योंकि पानी रुकावट पैदा करता है, चलने नहीं देता आपको, ठीक है। तो इसी तरह अब एक मछली है जिसने इंतहाई तेजी से अपने शिकार के पीछे भागना है, तो उसके लिए जाहिर है वो उससे पानी के अंदर स्विम करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए उसकी शेप पतली लंबी सी होती है। या इसको इस तरह कर लें कि आप मिसाल के तौर पे बाइक पे जा रहे हैं, आप तेजी से बाइक चला रहे हैं और अपना हाथ यूं करें तो आपको वो फ्लैट सरफेस के ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर महसूस होता है, ठीक है। अगर उस हाथ को इस तरह कर लें तो क्या होगा कि वो हवा दोनों साइडों से गुजरती जाएगी और आपको उतना ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। तो यही काम मछलियों ने भी किया कि वो पतली लंबी सी बन गई है, ताकि वो पानी का प्रेशर उतना ज्यादा महसूस ना हो जब तेज स्विम करना हो। तो इसको फ्यूजी फॉर्म बॉडी कहते हैं, स्विमिंग के लिए बेहतरीन काम है। इसी तरह ज्यादातर बोनी फिश के अंदर स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है, यानी कि उसके अंदर पानी भरा जा सकता है। बाज दफा वो मुंह के साथ कनेक्टेड होता है,
और उसके अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड फिल करके उसको ऊपर आ सकती है मछली, या अगर हवा निकाल के पानी भर लेंगे तो नीचे चली जाएगी। लोकोमोशन के लिए इनके पास फिन्स मौजूद हैं। फिन्स पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। पेयर्ड फिन में पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखें तो ये पेक्टोरल फिन दिखाया हुआ है। पेक्टोरल फिन कंधे वाला फिन है, लेफ्ट और राइट साइड पे जो होता है। इसी तरह नीचे की तरफ दो फिन्स हैं, ये पेल्विक फिन्स हैं, ठीक है। बाद मछलियों में पीछे होते हैं, हमारे अंदर यही फिन मूव करके यहां तक पहुंच गए और फिर वो इनसे हमारी टांगे निकलती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अनपेयर्ड फिन्स भी हैं। अनपेयर्ड फिन में डॉर्सल है, डॉर्सल का मतलब है कि कमर वाला है। कॉडल है, कॉडल का मतलब है टेल वाला, दुम वाला। और एनल है, जो एनस के नजदीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स हैं। गिल्स उस ऑर्गन को कहती हैं जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट या गैस एक्सचेंज का काम करता है। इसको ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि वो आप मछली जब खरीदें खाने के लिए तो उसके गलफड़े उठा के देखें तो अंदर आपको बिल्कुल वो रेड कलर के इस तरह के पर्दे बने हुए डार्क रेड कलर के नजर आते हैं। वो डार्क रेड क्यों होते हैं? इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई, ओ सॉरी, ब्लड की सप्लाई हो रही होती है। उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और उन कैपिलरीज की वजह से वो रेड कलर का नजर आता है, खून की वजह से। और उनको अच्छी तरह से जब पानी टच करता है तो पानी से गैस का एक्सचेंज उनसे हो सकता है। स्ट्रक्चर वैसा सा होता है जैसा आपने वो देखा हुआ है, आपकी मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है, इंजन के ऊपर नहीं, वो कट कट से बने हुए होते हैं। देखे मैं वो सीधा चकोर डब्बा क्यों नहीं बनाया होता? हाँ जी, कट्स बनाने से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो एक्सचेंज ज्यादा होगा। तो इसी तरह ये गिल्स के अंदर भी उस तरह पर्दे पर्दे बने हुए हैं। हर पर्दा आगे से छोटे पर्दों में डिवाइडेड है और उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। पानी मुंह से आता है, ये यहाँ पे आपको पानी का रास्ता दिखाया है कि पानी यहां से आ रहा है, इन गिल स्लिट से होता हुआ बाहर निकल रहा है, तो वो पर्दों को वाश कर रहा है और वो उस दौरान में ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है पानी के साथ। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनीज मौजूद हैं। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में वेस्ट बाहर निकालने के लिए एडजस्टेड हैं, ठीक है जी। एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स की तीन क्लासेस हमने पढ़ी हैं। साइक्लोस्टोमा सबसे पुरानी वाली मछलियां हैं। ईल लाइक पतली लंबी सी इनकी बॉडी है, जबड़े अभी तक इन्होंने इजाद नहीं किए। सेक्टोरियल माउथ है, यानी कि अपनी फूड सक करके हासिल करती हैं, यानी कि ब्लड वगैरह पी लेंगी या कोई और इस तरह के काम करेंगी। लैम्प्रेज और हैग फिशीज इस ग्रुप में आती हैं। उसके मुकाबले में क्लास कॉन्ड्रेक्टिस है। इनके अंदर कार्टिलेज का स्केलेटन होता है, बॉडी के ऊपर प्लेकोइड स्केल्स होती हैं। इसमें शार्क्स और रेज आती हैं। अच्छा, शार्क में और दूसरी मछलियों में एक और फर्क ये भी है कि शार्क की वही बात है कि उसकी कमर के ऊपर से रोला गुजर गया है, तो नतीजा ये हुआ है कि वो उसकी कमर और बॉडी वो इस तरह की बॉडी होती है, ठीक है। और जो आपकी दूसरी सारी रहू वगैरह जो मछलियां हैं वो इस तरह हैं, उनको इस तरह पिचकाया गया है तो वो इस शेप में आती हैं, ठीक है। तो वो साइडों से फ्लैट हुई हुई होती हैं, जबकि शार्क वगैरह कमर से फ्लैट हुई हुई हैं। ऑस्टियोक्टिस है, ऑस्टियोक्टिस एडवांस ग्रुप है फिशीज का। इन्हीं से आगे चल के एम्फीबिया बने, तो इनके अंदर टीनॉइड, गेनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं और टर्मिनल माउथ होता है और पेयर्ड फिन्स होते हैं जिनके जरिए पानी में तेजी के साथ तैर सकते हैं।